गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे दिन की शुरुआत छोटे मोटे कामों से हो चुकी है। प्यार निकल के आपको दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। ये है बोरी, इसको खाली करके पूरा सलाना है यहाँ पर। चलो काम में लग जाते हैं। ये पुराने कपड़ों को मैंने ऐसे डाल दिया है साइड साइड में, ताकि प्याज नीचे ना गिरे, नहीं तो ये नीचे गिर जाएंगे सारे ऐसे। और ये देखो विवान आ गया है, हमारी हेल्प कराने आया है विवान। अच्छा, हेल्प कराने नहीं, काम बढ़ाने आया ना विवान। ये पूरा प्याज मैंने यहाँ फैला दिया है, कितना सुंदर लग रहा है प्याज, कलर कितना सुंदर लग रहा है। चलो नीचे चलते हैं। अब हम लोग स्कूटी में घूम के आए हैं, तो ये कांड होता है। मजीद घूम के आए बस और क्या। तो ये कांड होता है क्या? हाँ। तुम बताओ कांड है तुम्हारे लिए, तो तुम रोज करते हो मतलब है? हर घूमने रहा है। नहीं। अभी मैं अपने व्लॉग्स बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स देख रही हूँ, जैसे कि ट्राइपॉड और माइक, ताकि मेरा व्लॉग थोड़ा अच्छा बने। अभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है। देखो इसे देख रहा है। तो गाइस चटाई वाले आए हैं, तो नानी चटाई ले रही है। अच्छा इशित बताओ ना, तुम टून हो कि टीन हो? टीन हो। 13 इयर्स हो ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लेकिन तुम तो कार्टून जैसे बिहेव करते हो। तो एनीमे का करते रहते हो हर चीज। और जुशु कौन बोलता है? ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे कर करके कौन बोलता है? कार्टून लोग बोलते हैं ना सर। तो तुम तीन कैसे हुए? टून हुए ना। वो कार्टून तो बड़े लगती है ना, टीन लगती है ना। पूरी दिन खेलते रहता है टैबलेट में। विवान आ के रेडी हो चुका है, वो तो गुड बॉय बन चुका है। नहीं, और ये एक है, ये लड़का तो कब से नहाने को बोल रही हूँ। दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ। कल अपना चश्मा भी तोड़ चुका है विवान। हाँ, वो नहा के गुड बॉय बन चुका है। मैं पढ़ाई करके गुड बॉय बन चुका हूँ। इनको देखो, डैड भी देखते रहते दिन भर। ओए चलो चलो, क्या बोलोगे क्या बोलोगे? अरे बोलने वाले थे ना कुछ, फिर चले गए। वर्ल्ड टूर्नामेंट होने वाला है। बॉल टूर्नामेंट। अच्छा ओके, वहां साइकिल चलाने जा रहा है। साइकिल चलाएगा? क्या हुआ? अरे गाड़ी आ रही है, रुक जा। देखो मम्मी बुला रही है, कैप लगाना। अरे रास्ते में मत रखो उसको, जल्दी जाओ। देखो विवान की साइकिल। हाँ ना, छोटा छोटा छोटा।
साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है। फ्रेंड्स इसमें कितने फ्लावर लगे हैं, इतना सुंदर है इसका फ्लावर। इसका गुच्छा देखो, बाप रे हो इतना सुंदर। ये देखो हमारी मम्मी का योगा चेयर में बैठ के। क्या कर रहे हो? अनुलोम विलोम। अच्छा, आज हम लोग बना रहे हैं छत्तीसगढ़ का स्पेशल ब्रेकफास्ट हरा। ये चावल है रात के बचे हुए, इसको हाथ से मसल के इसमें चावल आटा डाल देते हैं, फिर इसको ऐसे हाथ से रोल रोल बनाते हैं। आपको दिखाऊंगी मैं बनने के बाद। चावल आटा डाल रही है मम्मी। पानी सुनाई दे रहे हैं। ये मम्मी ने आटा गूंथ लिया है परा का, इसको अब हम रोल बनाएंगे। ये फरा में डालेंगे लहसुन, धनिया और हरी मिर्च पीस के। ये हमने धनिया मिर्च और लहसुन को पीस लिया है, इसको हम फरा में डालेंगे। अभी तेल गरम हो गया है, अब इसमें मम्मी तिल डालेगी। मसाला डालू हो गया गरम, जब ये चटकने लग जाएगा डाल दी। ढक देंगे। धुल्ला अलग टाइप का, अलग है ना। अब पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो फरा है वो इसमें अच्छे से उबल जाए और अच्छा पक जाए। इसको ढक दो, ढक दो ना। अब ये उबल गया है, पानी उबलने लग गया है, तो अभी इसमें हम फरा को डाल देंगे। लोग सब अपनी अपनी तरीके से, अलग अलग तरीके से बनाते हैं इसको। कई लोग मिर्च और सिर्फ तेल तिल डाल के भी बनाते हैं। आप अपने पसंद से सब मसाले डाल के बना सकते हैं इसको। अब इसको चम्मच नहीं चलाना है, इसको सीधा बंद कर देना है, ढक देना है। ये टमाटर की चटनी के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। इसमें 2 टमाटर लेंगे, 4 लहसुन लेंगे,
धनिया और दो मिर्ची, इसको हम बारीक बारीक काट के पीस लेंगे और नमक डाल लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब परस सीख चुका है, अब उसको पलटेंगे। ये हमारी चटनी भी बन चुकी है। हाँ, ये फराह के साथ चटनी बहुत अच्छा लगता है टमाटर का। अब हम थोड़ी देर में फराह एंजॉय करेंगे। पायल हॉस्पिटल जा रही है तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमको भी लेके चलो पीछे घुमाने के लिए गाड़ी में, तो ये बैठ रहे हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।